मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत निर्मला सीतारमण ने बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए की। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 सालों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में कई घोषणाएं की हैं। आइए आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस लखपति दीदी पर रखा है। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2025 तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें अपना उद्योग या रोजगार शुरू करने के लिए मदद करना भी है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपति दीदी, eighty three lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakhpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakhpati Didi from 2 crores to 3 crores. इसके अलावा वित्त मंत्री ने आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा, हम विकास की नई परिभाषा करेंगे और आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाए जाने की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी और उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमी को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है और 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त सर्वाइकल टीका लगाए जाने की घोषणा की है। महिलाओं को लेकर निर्मला सीतारमण की इन घोषणाओं पर गौर करें तो इस बार बीजेपी के केंद्र में ग्रामीण महिलाएं ज्यादा हैं। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि शहरी मतदाताओं में महिलाएं पहले से ही बीजेपी का कोर वोटर हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की तरफ अब बीजेपी ने ज्यादा ध्यान दिया है। उसमें भी बीजेपी की नज़र स्वयं सहायता समूहों पर है, जो बीजेपी का बड़ा समर्थक वर्ग बन सकता है। देश में 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूत कड़ी का काम करती हैं। पिछले कुछ समय से राज्यों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जो पुरुषों से आगे निकल गया है। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना को बीजेपी की जीत का बड़ा आधार माना गया और समझा गया कि इस वजह से वहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने इस तरफ सबका ध्यान भी खींचा और महिलाओं को जीत का सारथी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जहां जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बंपर जीत मिली है। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है।
जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है वहां बीजेपी को बंपर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं है। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। जाहिर है यही वजह है कि पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर महिलाओं को टारगेट करते हुए अधिक कार्यक्रम और योजनाओं की घोषणा कर रही है, जो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।